आज की वीडियो में हम आ गए हैं गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन है। इसी के साथ हम देखेंगे भाई यहाँ पर क्लॉक रूम और लॉकर चार्जेस, और साथ में हम देखेंगे IRCTC की डोरमेट्री भी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आ गए भाई हम सुबह 5 बजे गुवाहाटी, इंग्लिश में, हिंदी में और नीचे अपनी लैंग्वेज में, आसामीज में। गुवाहाटी प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। ये है भाई गुवाहाटी स्टेशन, तो बढ़िया है भाई। ये बढ़िया बना रखा है भाई स्टेशन पर। यहाँ के डांस फॉर्म हो गई कोई लोकल भाई। आप स्टेशन देखो कितना मेंटेन्ड है भाई, दिल खुश हो जाता था स्टेशन देख के ना, बहुत मेंटेन स्टेशन है ये। मास्क ऑफ आसाम, ऐसे मास्क वगैरह चलते हो, कितने टाइप के मास्क हैं। ये बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा मेंटेन स्टेशन है भाई, और यहाँ पे वॉर हीरोज ऑफ आसाम भी लगा रखा है। यहीं पे टिकट काउंटर्स वगैरह है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो अभी भाई, ऑनलाइन मशीन्स लगी हैं टिकट काउंटर्स। ये आ गया भाई टिकट काउंटर्स, एंट्री से राइट में, सामने एंट्री करते हैं राइट में ये टिकट काउंटर्स हैं। पूरे स्टेशन में ये बढ़िया बनाया है भाई। ये आसामीज पीपल के बारे में ना ड्रेस कोड वगैरह होगा, ये देखो पूरा स्टेशन में काफ़ी बढ़िया बना रखा है ये। लाउंज फैसिलिटी भी है भाई यहाँ पे, गुवाहाटी लाउंज, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बैठा भाई, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और खाने पीने का अच्छा है यहाँ पे ना, बहुत सारी स्टॉल से मैंने भी ले लिया है चाय समोसा। ये बैठने का अच्छा बना रखा है यहाँ पर ना, देखो प्लेटफॉर्म 1 है ये, तो ये सर्विस यूज कर सकते हो भाई आप। इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है ये। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आसाम में, गुवाहाटी में। मैं मौजूद हूँ गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये। स्टेशन बहुत प्यारा है भाई गुवाहाटी का ना, गुवाहाटी कैपिटल नहीं है आसाम की, कैपिटल है यहाँ की दिसपुर, लेकिन भाई स्टेशन बहुत ही प्यारा है। नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए वेल कनेक्टेड स्टेशन है ये। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट जाना है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो गुवाहाटी सबसे बेस्ट है। अगर डायरेक्ट ट्रेन जा रही है तो ठीक है, वरना काफ़ी कम ट्रेन है वहाँ के लिए, तो आप गुवाहाटी आए हो, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। काफ़ी वेल कनेक्टेड स्टेशन है गुवाहाटी का। बाकी यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊँगा भाई क्लॉक रूम क्या, तो ज़्यादा क्लॉक रूम भी है और लॉकर फैसिलिटी भी है, तो दोनों के चार्जेस वगैरह। और IRCTC का रिटायरिंग हूँ मैंने भाई, यहाँ पर डोरमेट्री बुक करी है कुछ 400 के आसपास है 24 घंटे के लिए, नॉन एसी, तो आप एसी भी कर सकते हो और रूम वगैरह भी कर सकते हो। आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो IRCTC रिटायरिंग रूम, RAC या फिर कंफर्म टिकट चाहिए, वेटिंग टिकट पे नहीं मिलता है, तो आप चेक कर लेना जो भी चार्जेस होंगे। मैंने डोरमेट्री करी है नॉन AC 24 घंटे, कुछ 400 कुछ है, मैं चार्जेस नीचे लिख दूंगा।
फिलहाल भाई स्टेशन बहुत प्यारा है, जिस तरीके से मतलब यहाँ के कल्चर को दिखाया है, कपड़े वगैरह, मैं आपको थोड़ा बहुत स्टेशन दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा स्टेशन है, जो भी मतलब यहाँ का कल्चर वगैरह है वो सब, तो मतलब काफ़ी अच्छा काफ़ी क्लीन स्टेशन है ये। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ रिटायरिंग रूम और क्लॉक रूम, प्लेटफॉर्म 1 पर जाना आपको बिल्कुल एंड में। तो चलते हैं, मैं आपको क्लॉक रूम और रिटायरिंग रूम दिखाता हूँ। ये आ रही है भाई विवेक एक्सप्रेस, जिसमें हम कुछ टाइम बाद सफ़र करेंगे। ये गुवाहाटी होते हुए आती है, तो यह है विवेक एक्सप्रेस। गुवाहाटी प्लेटफॉर्म 1 पर ही है भाई ये क्लॉक रूम, क्लॉक रूम भी है, लॉकर भी मिल जाएगा आपको, ये प्लेटफॉर्म 1 है। यहाँ पे आ जाना है आपको, ये लॉन्ज है, इसके बगल में चार्जेस मैंने दिखाई दिया आपको, चार्जेस क्लॉक रूम के, क्लॉक रूम भी है, लॉकर चार्जेस भी है, लॉकर भी है। तो ये है भाई रिटायरिंग रूम, ये प्लेटफॉर्म 1 है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म 1 के एंड में आओगे आप। ये रहा, अब दिखाता हूँ आपको अंदर से, पहले मैं चेक इन कर लूँ। ये प्राइवेट है भाई, ये गवर्नमेंट नहीं है। तो ये वाला ना भाई गवर्नमेंट नहीं है, ये ना प्राइवेट है, 1680 रुपये, मतलब 1500 प्लस GST। तो ये वाला ना प्राइवेट है, वैसे इसमें लग रहा है मुझे गवर्नमेंट है ये, तो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट वाला टिकट काउंटर के पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये प्राइवेट वाला, गवर्नमेंट वाला चलते हैं भाई। यहाँ पर ठंडा पानी है भाई, ये बढ़िया है, अपनी बोतल वगैरह भर लो, बढ़िया ठंडा पानी है यहाँ पर। तो ये पहले बाहर निकल जाना है, बाकी वेटिंग रूम वगैरह है यहाँ पे। ये आ गया भाई एक्सिट, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। तो काफी बढ़िया ना, मतलब काफी क्लीन स्टेशन है और साफ सफाई भी चली रही है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ से बाहर निकल के हमें राइट में जाना है, फर्स्ट फ्लोर बताया है टिकट काउंटर के पास, फर्स्ट फ्लोर। ये टिकट काउंटर्स आ गए, जब ये टिकट काउंटर्स आ गए, तो यहाँ आ जाना है भाई आपको ना, ये एंट्री है स्टेशन की, ये स्टेशन की एंट्री है, और यहीं आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, लिखा हुआ है। टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर भी है और रिटायरिंग रूम भी है। विश्रामालय, तो ये आ जाएंगे भाई। यहाँ पे सामने रिसेप्शन है, मैं आपको एक बार चार्जेस वगैरह दिखा देता हूँ इसका। ये चार्जेस है भाई रूम्स वगैरह, डोरमेट्री, तो आप ये देख सकते हो 24 घंटे और 12 घंटे के लिए मिलती है बस। तो ये चार्जेस हैं, यहीं पे आपकी एंट्री वगैरह हो जाएगी और सीधा आप डोरमेट्री अपने रूम में चले जाओगे। ये है भाई बेड, बाकी ये बढ़िया है, यहाँ पर लॉक अपना लगाना पड़ता है भाई, काफ़ी जगह है इसमें रखने की। कि
टीवी वगैरह भी है यहाँ पे, सामने ही वॉशरूम टीवी भी है।